नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू डू रिवीजन ऑफ ईवीएस चैप्टर्स 1, 2, 4 एंड 5। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। चैप्टर 1 वाज पूनम्स डे आउट। सो इस चैप्टर में हमने पूनम की स्टोरी पढ़ी थी। एक लड़की होती है जिसका नाम पूनम होता है और उसे फीवर आ रहा होता है, तो कुछ पिछले 2 दिनों से वो घर पर ही होती है और वो बहुत बोर हो रही होती है। तो उसकी वो अपनी मदर से बोलती है, मदर माँ मुझे स्कूल जाने दो। पर उसकी माँ कहती है, नो जाओ बाहर, बाहर जाकर लेट जाओ। तो वो बाहर जाके लेट जाती है घर के बाहरी जो गार्डन होता है वहाँ पर। तो वो अपने गार्डन में ऑब्जर्व करती है ट्री के ऊपर कि कितने सारे एनिमल्स और बर्ड्स वहाँ रहते हैं। तो उतनी देर में क्या होता है, एक जो पिजन होता है वो मिसशीप कर देता है, मींस गंदा कर देता है उसके फेस पर। तो वो अपने पास के तालाब में अपना मुंह धोने के लिए जाती है। वहाँ वो देखती है कि वाटर में कितने सारे एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं। तो वहाँ वो ऑब्ज़र्व करती है कि वाटर एनिमल्स, लैंड एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारी इन सबको वो ऑब्जर्व करती है। तो इस चैप्टर में हमने ट्रीज़ और एनिमल्स बर्ड्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। चैप्टर 2 वाज द प्लांट फेरी। जो प्लांट फेरी एक गेम होता है, तो इस चैप्टर में कुछ बच्चे होते हैं और एक दीदी होती हैं जो कि गेम खेल रही होती हैं, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, अंताक्षरी। तो कुछ टाइम बाद जो दीदी होती है वो कहती है कि चलो आज कुछ नया गेम खेलते हैं। तो न्यू गेम का नेम क्या होता है, द प्लांट फेरी। इस गेम में क्या होता है, जो एक क्वीन, जो एक फेरी, प्लांट फेरी बनता है, वो सबको ऑर्डर देता है कि इसे छू कर आओ, उसे छू कर आओ। तो सब बच्चों को उस ऑर्डर को फॉलो करना होता है। तो इस टाइप से सारे बच्चे दीदी के, प्लांट फेरी के ऑर्डर को फॉलो करते हुए सारी चीज़ों को छू रहे होते हैं। और हम देखते हैं इस चैप्टर में कि जो लीव्स होती हैं उनके डिफरेंट शेप, साइज, मार्जिन, कलर, इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा होता है। तो इस चैप्टर में हमने प्लांट्स और ट्रीज़ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होती है, जैसे कि टॉल ट्रीज़, थिन ट्रीज़, ट्रंक, टॉल ट्रंक ट्रीज़ और थिंक ट्रंक के बारे में पढ़ा होता है, लीव्स के शेप साइज़ के बारे में पढ़ा होता है। तो लीव्स और ट्रीज़ और प्लांट्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। नाउ चैप्टर 4 वाज द आवर फर्स्ट स्कूल। तो इस चैप्टर में हमने आवर फर्स्ट स्कूल मींस हमारा पहला स्कूल। तो हमारा पहला स्कूल होता है क्या, हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा पहला स्कूल होता है वो हमारी फैमिली होती है, मींस क्योंकि जब हम बॉर्न होते हैं उसके तुरंत बाद जो कुछ भी हम सीखते हैं, चलना, बोलना, उठना, खाना पीना, बिहेव कैसे करना, हमारा बिहेवियर, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हर चीज़ हमें कौन सिखाता है, हमारी फैमिली सिखाती। उसके बाद जब हम थोड़े बड़े होते हैं तब हम स्कूल जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्कूल होता है वो हमारी फैमिली होती है। इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी और हमने पढ़ा था कि जॉइंट फैमिली क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है। तो हमने फैमिली से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ी थी। नाउ फिफ्थ चैप्टर वॉज छोटूज हाउस। हमने छोटू के घर के बारे में पढ़ा था। छोटू एक लड़का होता है जो कि मुंबई आया होता है, उसके पास घर नहीं होता है, वो काम की तलाश में आता है। तो वो उसे जब वो कुछ दिन बिना घर के रहता है तो वो ठंडी, गर्मी, इन सब से जूझता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि काश मेरे पास एक घर होता। उतने में उसकी नज़र एक पाइप पर पड़ती है, तो वो सोचता है मैं इसे ही अपना घर बना लेता हूँ। तो फिर वो उस पाइप में को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके अपना घर उसी को बना लेता है और उसमें रहना शुरू कर देता है। कुछ टाइम बाद मोंटू आता है, तो वो भी, उसके पास भी घर नहीं होता, वो उसे अपना फ्रेंड बनाता है और उसे भी अपने घर में रहने के लिए जगह दे देता है, मींस पाइप में जगह दे देता है। तो हमने इस चैप्टर में छोटूज हाउस, छोटू के घर के बारे में पढ़ा था। Now this is the revision worksheet of EBS chapters 1, Poonam's Day Out.
2 the plant fairy, 3 our first school and the chapter 4 Chotu's house. तो मैंने यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन टिक द करेक्ट ऑप्शंस दिए हैं जिनको आपको पढ़ना है, समझना है और लर्न करना है. मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इनको भी आपको अच्छे से लर्न करना है. क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट ट्रू एंड फॉल्स है यहाँ पर, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले ही चैप्टर्स में, वर्कशीट्स में. आपको ये रिवीजन करना है, अच्छे से रिवीजन करना है और लर्न करना है इनको. मैच द फॉलोविंग्स दिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में एंड क्वेश्चन नंबर 5 में. आंसर दीज क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस है जिनको आपको लर्न करना है. सो दिस इज द वर्कशीट, रिवीजन वर्कशीट. आपको अच्छे से इसे समझ कर लर्न करना है बच्चों. थैंक यू.